मान लीजिए आपने एक चैनल बनाया था पुराना, 2-3 साल पहले, जिस पे आपने 500, 700, 800 वीडियोस डाल दी, मगर वो चैनल ग्रो होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो चैनल हो चुका है डेड। अब हम क्या करें, एक नया चैनल बनाएं और उस पर भी वही सेम कंटेंट हम अपलोड कर सकते हैं? अगर हम सेम कंटेंट दोनों ही चैनल पे अपलोड करेंगे तो क्या क्या होगा, यानी किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए? अगर एक चैनल नहीं चल रहा और अगर हम दूसरा चैनल बनाते हैं तो भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं कि अगर नया चैनल बनाओगे ना तो वो बहुत जल्दी बूस्ट करेगा और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, तो क्या हम भी एक नया चैनल बना लें? क्योंकि हमारा पुराना चैनल तो चल नहीं रहा, तो हम भी नए चैनल पे बना के सेम वही कंटेंट, सेम वही वीडियो उठा के बस वहाँ पे अपलोड करें, तो किन किन गलतियों से हमें बचना है, तो मैं ज़्यादा प्लीज़ हमारी हेल्प करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं सारी हेल्प करूँगी और पूरा बताऊँगी कि अगर एक चैनल नहीं चल रहा तो दूसरा चैनल बनाना है तो किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है कि अगर आपका एक चैनल नहीं चल रहा और आप दूसरा चैनल बनाते हैं तो आप बना लीजिए, कोई मसला नहीं है। और आप क्या करते हैं कि वहाँ से आपने सिर्फ सारी वीडियोस नहीं उठानी, यानी जो आपका जो एवरग्रीन कंटेंट है सिर्फ आपने वही उठाना है और वही दूसरे चैनल पर डालना है। यानी आपने जो अगर कोई इस तरह की वीडियो बनाई थी कि भाई कोई अपडेट आई है, कोई न्यूज़ आई है, तो वो वीडियो आपने नए चैनल पर नहीं डालनी, आपने सिर्फ जो एवरग्रीन कंटेंट है, जो हमेशा चलते ही चलते हैं, हमेशा ग्रो करते हैं, हमेशा पैसे देते हैं, वो वाले कंटेंट उठा के, वो वाली वीडियोस उठा के आप नए चैनल पे अपलोड करें। अब आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि भाई आपकी जो वीडियो अगर किसी और ने पहले से डाउनलोड करके रख ली है तो वो बाद में आपको कॉपीराइट दे सकता है। आपने पुराने चैनल से कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करनी। दोस्तों, अगर आपने नए चैनल पर डाल दी और मान लो पुराने चैनल पर आपसे पहले किसी और ने आपकी वीडियो कॉपी करके अपने पास रख ली है, तो बाद में वो यूट्यूब की नज़रों में वो रियल बंदा बन जाएगा और बाद में आपको वो कॉपीराइट देगा। इस तरह क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपने देखना है कि भाई किसी और ने तो वो कंटेंट कॉपी नहीं किया हुआ, तो आपने ये करना, अपना जो रियल चैनल है वहाँ से वीडियोस डिलीट नहीं करनी, उनको प्राइवेट करना है, अनलिस्ट करना है, और फिर आपने नए चैनल पे लगाना है। और जब आप नए चैनल पे लगाएंगे, अगर आप प्राइवेट नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, अनलिस्ट नहीं करेंगे, तो भाई यूट्यूब को लगेगा कि आप रीयूज कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रीयूज कंटेंट से वो नहीं होता कि आपने किसी और का टॉपिक उठा के लगा दिया, यानी किसी और की वीडियो उठा के अपने चैनल पर अपलोड कर दी। अगर आप एक ही चैनल पर दो वीडियो सेम सेम डाल लें तो वो भी रीयूज कंटेंट में शुमार होता है, चाहे वो दोनों चैनल आपके हों, चाहे वो आपका खुद का कंटेंट हो। लेकिन क्या होता है, यूट्यूब बोलता है ये रीयूज़ किया आपने, दोबारा इस्तेमाल किया है, और बात तो सच है, हमने दोबारा इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आपने ये गलती नहीं करनी। अब यहाँ पे ना दो रास्ते हैं, यानी अगर आपका नया चैनल भी नहीं चला तो आप नए चैनल से भी सारी चीज़ें डिलीट करोगे और पुराने चैनल पे वापस आ जाओगे, या अगर आपका नया चैनल चल गया, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल चल गया, बूस्ट अप हो गया और वो मोनेटाइजेशन के करीब पहुंच गया, यानी आपके 4,000 घंटे भी पूरे हो गए, 1,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए और आपकी वीडियोज़ पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे ही वो मोनेटाइजेशन के करीब पहुंचे तो आपने पुराने चैनल से वो वीडियो प्राइवेट करनी है, लाजमी अनलिस्ट करनी है, या वीडियो डिलीट ही कर देनी है। चैनल डिलीट नहीं करना, लेकिन आपने करना है वो वीडियो को छुपा लेना है, ताकि YouTube को ऐसा ना लगे कि आप किसी और का कंटेंट उठा के डाल रहे हैं, क्योंकि YouTube समझेगा कि आप किसी और का कंटेंट चोरी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इस वजह से जैसे ही वो चैनल मोनेटाइजेशन के पास पहुंचे तो आपने पूरी एहतियात करनी है, वरना ये ना हो कि नया चैनल आपने बनाया इतनी मेहनत से और उस पर सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, वॉच टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन क्या हो YouTube ही रिजेक्ट कर दे और मोनेटाइज ही ना करे। तो आपने इन गलतियों का ध्यान करना है ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। यानी अगर आप नया चैनल बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप प्रॉपरली जो पुराने चैनल की वीडियोस हैं, एक एक करके जो अच्छी वीडियोस हैं, एवरग्रीन वीडियोस हैं, वो आप एक एक कॉपी करके और आप अपने नए चैनल पे अपलोड कर सकते हैं और उसकी अच्छी सी SEO कर सकते हैं और पहले से बेहतर थंबनेल लगा सकते हैं और पहले से जो अच्छी वीडियोस हो ना, यानी जो सिर्फ अच्छी अच्छी वीडियोस हों, सिर्फ वही वीडियोस उठा के नए चैनल पे लगाइएगा, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।